हेलो गाइज, मैं हूँ रजनी वरुण। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रजनी फूड्स एंड ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाते हैं पहाड़ों का मौसम कैसे बदलता है। तो इस समय है सुबह का 8 बज रहा है, मौसम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी भी प्रकार का कोई बादल नहीं, कुछ भी नहीं है। और तो चलिए देखते हैं, मतलब आज सुबह का तो कड़कती धूप और हवा चल रही है, ठीक है, मौसम अच्छा है। तो यहाँ पर आज को हम बताने वाले हैं सुबह के 8-9 बजे इस समय ऐसा होता है और इसके बाद में कैसे मौसम चेंज होता है, ये देख लीजिए। तो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। और हाँ, यहाँ पर लेकिन एक चीज़ तो है, हवा बहुत सुंदर और बहुत अच्छी चलती है। तो चलिए नहा वहा के फ्री होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहा करके आ गई, जा रही थी ज़रा बच्चों के पास, तो मैंने सोचा चलो दिखा दूँ कि ये है इमरजेंसी स्टेयर जो कि बिल्कुल आउटसाइड को जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं थोड़ा नीचे को जा रही थी और मैं बच्चों को बुलाने के लिए, बच्चों के यहाँ पर ढेर सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो ये रहा, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो एरिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और इसके बाद चलते हैं वापस। तो यहाँ पर बच्चों के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी हैं और बादल से थोड़े हो रहे हैं, एकदम मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो चलते पहले बच्चों को बुलाते हैं। मतलब यहाँ की हवाएं अपने यहाँ के जैसी नॉर्मल हवाएं नहीं चलती, बहुत तेज़ हवाएं चलती, मतलब हल्का फुल्का इंसान के लिए तो कुछ पकड़ के रखना होगा। और जैसे मैं उनको बुला करके वापस रिटर्न हुई और यहाँ पर ये बारिश चालू, ये देखिए अभी इतना अच्छा खासा मौसम और बारिश चालू हो गई, एकदम से बादल आ गए। और ये बंदर ना, यहाँ पर ढेर सारे बंदर हैं। और यहाँ के बंदरों की एक खूबी है कि आप कुछ भी लेकर के जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, वो आपको टच भी नहीं करेंगे और आप चुपचाप निकल जाइए, उनको ना बोलिए, कुछ भी नहीं टच करेंगे। ये देखिए बादल जैसे बादल नहीं, लेकिन एकदम से बारिश होने लगी, ये देखिए। और धीरे 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 धीरे, मतलब यहाँ की जो बारिश होती है तो नॉर्मल बारिश नहीं होती है, बिल्कुल क्या ही कहने, इतनी भीषण बारिश, आवाज़ इतनी तेज होगी कुछ कहने को नहीं। तो थोड़ी थोड़ी अब बढ़ने लगी, ये देखिए ये, तो उधर पहाड़ों की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो रही, अब और बढ़ गई बारिश, अब और बढ़ गई, ये देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा होने लगा। तो यहाँ की जो बारिश देख के भाई बड़ा ही अच्छा लगता है, बारिश जो होती है, और यहाँ की पहली बारिश थी तो फिर और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ये देखिए। लेकिन बंदर वो अपना एज इट इज़ मस्त है, खेल रहे वहाँ पर। जब जैसे थोड़ी बारिश हुई तो जा कर के पेड़ों में छुप गए। अब वो पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे, जो अभी तक पहाड़ दिखाई दे रहे थे वो पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। और बंदर कभी पेड़ में तो कभी नीचे ऐसे ही खेल रहे हैं, ये देखिए पहाड़ पूरे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर पहाड़ों का ये है नज़ारा और इतना अच्छा लगता है, क्या ही कहने। तो जब बारिश होती है और ठंडी ठंडी हवाएं, क्या ही कहने। तो यार हम सोच रहे थे चलो इतनी दूर है तो इतने अच्छा मौसम आप लोगों तक तो पहुँचाया ही जाए, ये देखिए। और ये देखिए अभी भी बारिश वैसे ही हो रही है, अब थोड़ी थोड़ी हवाओं का बढ़ना चालू हुआ है। वो सामने पहाड़ है ना, अब थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। ये देखिए बंदर भी खेल रहे हैं, पहाड़ अब थोड़े थोड़े दिख रहे हैं और बारिश तो हो रही, खैर अभी हो ही रही है। और यहाँ पर बारिश होने के बाद तुरंत सूख जाता है, पता भी नहीं चलता कब बारिश हुई थी, बंदरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अब तेज़ हो गई बारिश, बंदर भी भगने लगे। ए ये देखिए असली मज़ा तो अब ये आया है। और अभी बज रहा है दोपहर का 3 बज रहा है, ये देखिए पहाड़ों की बारिश ऐसी होती है यहाँ पर, वो है ना, ये देख लीजिए मज़ा आया ना। और कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पर इतनी तेज़ आवाज़ होती है जब बारिश होती है कि क्या ही कहने हैं। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, वीडियो पूरा देखना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और बारिश और 1 घंटे बाद, ये देखिए बारिश ख़त्म होने के बाद ये हो गया मौसम, बारिश हुई और मौसम ऐसा हो गया,
ये देखिए पंछी, कबूतर, यहाँ पर पता है कबूतर तो पूछो ना कितने ज़्यादा हैं। और ये देखिए जैसे बारिश ख़त्म होने के बाद ये बादलों का जो रंग बदला है, पीछे से सूरज, आगे जो बादल से घिरा हुआ, कितनी सुंदर सी रोशनी आ रही थी, क्या ही कहने हैं। तो आज का रहा ये मौसम पहाड़ों का, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए रात के खाने में कुछ करते हैं, बनाते हैं। तो पता आज हम लोगों ने बनाया है सत्तू के पराठे और टमाटर की चटनी बनाई हुई है बिल्कुल देसी स्टाइल में, और सच में बहुत टेस्टी बने हुए थे। चाय के साथ हम लोग खाने वाले हैं, तो सीमा ने बोला कि नहीं चलो यार यही बनाते हैं। और तो खाना खाए तो यार जल्दी से मिलते हैं वीडियो के साथ, नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तक मेरे साथ रजनी फूड्स एंड ब्लॉग्स मेरे चैनल में, और मिलते हैं और नई तो करना सब्सक्राइब करना, वो पूरा देखना जितना हो उतना सपोर्ट करना। ये देखिए तो बारिश के बाद में जो सत्तू के पराठे खाने का जो आनंद है हम लोग ले रहे हैं, तो आप भी लीजिए, आइए खा लीजिए। टेक केयर नितिन।